ग्राम पंचायत रत्ता खेड़ा की शामला तो जमीन सी 287 कनाल तकरीबन 36 एकड़ सी। यह लोग जो नजायज़ कागजगार से हाई कोर्ट तो साढ़े डायरैक्टर साहब तो हार चुके सी ते इहदा कब्जा वारंट जारी करवा के असी DDPO कम कलैक्टर की अदालत चो अज कब्जे की कब्जा कार्रवाई की डेट रखी सी। इन्हों पहला मेरे वालों मई जून के नोट्स भेज के इस जीरी से इस नजायज़ जमीन पर जीरी लाने पर रोकया गया, परंतु इन्होंने जीरी लगा रही थी। अज फिर असी 2-3 दिन के सरपंच साहब सारी पंचायत नंबरदार साहब तो मेरे वालों तो SHO साहब वालों जुड़का वालों असी 2-3 दिन के इन्हों समझा रहे थे। ये अज बड़े ही जे अज थोड़े जे इन्हों समझा के जरा इन्होंने सहमति जरा अज कब्जा छड़ दिता तो यदि ग्राम पंचायत जी हूँ 15 दिन बाद जो अगे प्रोसैस हों अगे बोली करेगी तो बोली करके लोगों को जमीन फिर फसल इन्हों 15-20 साल तो नजायज़ कब्ज कर ने इन्हों मुआवजा कुछ नहीं मिलता है तो समय से उल्टा इन्हों मुआवजा लेना बनता है। देखते हैं वो करते हैं सलाह पंचायत ना जिम्मे पंचायत होगी उस तरह किया जाऊगा राजी होगी। मैं गुरविंदर सिंह सरपंच पिंड रत्ता खेड़ा ये अज 35 कनाला जो मेहर 35 किले जो मेहर सिंह वगैरह के केस चल रहे थे ये 2013 तो केस सुप्रीम कोर्ट तो हार चुके सी ते हुण 2013 तो साढ़े जो सबका सरपंच ने उन्होंने केस पाया होया सी वो हुण कब्जा वारंट इन्हों का जारी हो चुकिया सी ते हुण अज BDO साहब ने ते तहसीलदार साहब ने इन्होंने पीसफुली कब्जा करवाया है। अज ये जो पंचायत के कब्जे वास्ते जमीन वास्ते BDO साहब सारे अफसर आए थे जो कि सबका सरपंच वालों केस पीछे पाया गया सी। उस दे बतौर ही अज नवी पंचायत को BDO साहब ने कब्जा दवा दिता है जो कि अज तो बाद इसकी पंचायत ही हकदार है। 35 किले 35 एकड़।